रुखसाना अपने चैनल कुकिंग विद रुखसाना के साथ। गर्मियां आते ही टमाटर भरपूर मिकदार में मिलना शुरू हो जाते हैं और इस वजह से ये सस्ते भी होते हैं, तो ये बेस्ट टाइम होता है केचप बनाने का। तो चलिए बनाते हैं केचप। टमाटो केचप बनाने की बहुत सी रेसिपीज हैं, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से टमाटो केचप बनाने का तरीका बताऊंगी, जिससे ये झटपट में ही जो है वो बन जाएगा। यहाँ पे मैंने 2 kg के करीब टमाटर लिए हैं, उनको मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसीज में जो है वो काट लिया है। और अभी हम इसमें कुछ मसाले जो हैं वो ऐड करेंगे, एक ही दफ़ा सब कुछ इसमें डाल के, तो इसको हम जो है वो पकने के लिए स्टीम पे रख देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास मैंने 2 छोटी प्याज ली थी, उनको मैंने छोटे छोटे पीसीज में जो है वो काट लिया है। 10 कलियाँ मेरे पास लहसुन की हैं, अदरक 4 से 5 पीस मैंने इसके छोटे साइज़ के लिए हैं। यहाँ पे मेरे पास खुश्क लाल मिर्च है, नमक मेरे पास जो है वो 1.5 teaspoon, 1.5 चम्मच के करीब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। लौंग 6 से 7 जो है वो मैं पीस इसमें डाल रही हूँ। मस्टर्ड सीड्स हैं मेरे पास, तो ये मैंने 1 tablespoon मैंने लिया है, वो इसमें ऐड कर देंगे। और केचप की सबसे ज़रूरी चीज़ जो इसमें ऐड की जाती है वो है चीनी, तो यहाँ पे मैंने 4 tablespoon जो है वो चीनी ली है। तो 1 teaspoon यहाँ पे मेरे पास ब्लैक पेपर है, और आधी प्याली इसमें हम सिरका इस्तेमाल करेंगे। और अभी यहाँ पे सब मसाले जो हमने केचप में चाहिए थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं, तो अभी यहाँ पे हम इसको कवर कर देंगे। और पहले 5 मिनट हम टमाटरों को जो है वो हल्की आंच पे इसको पकाएंगे, और उसके बाद मीडियम फ्लेम पे ले आएंगे ताकि टमाटर और जो भी इसमें हमने लहसुन और अदरक डाला है वो अच्छे से जो है वो गल जाएं या सॉफ्ट हो जाएं। तो ये देखें, यहाँ पे टमाटर हमारे जो है वो सॉफ्ट हो गए हैं, और आप इसका पानी चेक कर सकते हैं। इसमें हमने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया था, ये टमाटरों का अपना पानी है जो इसके अंदर से रिलीज़ हुआ है। तो अभी हम चूल्हा बंद कर देंगे और टमाटरों को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि ठंडा होगा तो फिर हम इसको ब्लेंडर में डाल के तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको ब्लेंडर में डाल के हम इसकी अच्छे से जो है वो एक प्यूरी बना लेंगे। अभी हम अपने इस प्यूरी को जो है वो स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लेते हैं, ताकि जो भी इसके अंदर कोई छिलके वगैरह हों या बीज जो एक्स्ट्रा रह जाएं वो इसके ऊपर ही रह जाएं। वो अच्छे से ब्लेंड करके और उसको मैंने एक स्ट्रेनर की मदद से इसको छान लिया है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टमाटो केचप ऑलमोस्ट हमारा डन है, लेकिन थोड़ा सा प्रोसीजर और है। इसको हम थोड़ी देर के लिए और इसको पकाएंगे, ताकि अभी हमने काफी बर्तनों से जो है वो इसको गुजारा है, तो उसमें थोड़े बहुत जो है वो जर्म्स या बैक्टीरिया जो है वो इसके अंदर चले गए होंगे। तो इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए मजीद पकाएंगे, ताकि ये थोड़ा और गाढ़ा हो जाए। जी, तो यहाँ पे बहुत ख्याल से, क्योंकि अभी इसके अंदर जो है ये बबल्स बनेंगे और वो उड़ेंगे, तो बहुत एहतियात से आपने जो है वो चम्मच को हिलाना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने किसी तरह का भी कोई कलर कुछ भी नहीं इस्तेमाल किया, क्योंकि टमाटर हमारे काफ़ी रेड थे, इसलिए कलर देख सकते हैं आप कैसा खूबसूरत आया है, और ये पहले से काफ़ी गाढ़ा हो गया है। और अभी चूल्हा यहाँ पे हम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। टमाटो केचप यहाँ पे ठंडा हो चुका है, अभी यहाँ पे मैंने 2 जार लिए हैं, तो इसमें हम इसको जो है वो फिल कर लेते हैं। आज की मज़ेदार रेसिपी
टोमेटो केचप। मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगी क्योंकि ये बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बनाने का इसका तरीका बताया है। इसको ज़रूर बनाएं और अपने बच्चों के लिए जो है इसको सेव करें। ये 4 से 6 हफ्ते के लिए जो है वो इस्तेमाल हो सकता है। तो अभी जिस तरह के टमाटर काफ़ी ज़्यादा जो है वो बाज़ार में आए हुए हैं, आप ख़रीदें और इसको बनाएं और इन्जॉय करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोबारा मिलूंगी आपके साथ एक और नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।